आशीष चौधरी है, मेरे डैडी का नाम एनआर चौधरी है और मेरी ये बात मेरे डैडी ने सिखाई है, सुनेगा। आदमी के जीवन की तीन तरह की कमाई होती है। पहली होती है बाप कमाई, क्या होती है बाप, और जिस ना और ना सबसे वैसे मेरे पापा जाना चार प्लॉट छोड़ के जाए है, दो फीते छोड़ के जाए, पति छोड़ के जाए, वो छोड़ के जाए, सब चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊँ। पर वो पुरानी कहावत याद रखो, पूत कपूत तुकलू धर्म संचय, और पूत कपूत तो बस आदमी की पहली कमी होती है बाप कमाई। आदमी उड़ता हुआ से खर्च करता है। आदमी की एक और बुरी कमाई होती है जिसे हम कहते हैं पाप कमाई। एक होती है बाप कमाई, उससे बुरी होती है पाप कमाई, पर इन दोनों से ज्यादा जीवन में सफलता का द्वार खोलने का सूत्र बताती है एक और कमाई। बुद्धि लगाओ तो, क्या जोर से बोलो तो, क्या जोर से बोलो तो, ऐसे लटक लटक के मत बोलो आप कमाई। और जिस दिन आदमी आप कमाई में जीता है ना, कमाई करने का मजा आता है। अरे इन बच्चों को कौन समझाए, तो जिद करते मैं 50,000 का मोबाइल खरीदूंगी, अरे मुझे वाली मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे वाली बाइक चाहिए, मुझे 3500 के नीचे की मैं जींस नहीं पहनूंगी, मतलब ब्रांडेड जींस खरीदूंगी। एक बार अपने उन बच्चों को कहो कि बेटा 50-70,000 का मोबाइल खरीदो, बाप कमाई पे नहीं, आप कमाई पे अब कई ठिकाना आएंगे उन टावरों की, और कहेंगे नहीं तो पैसों का फोन से चैलेंज करो, क्योंकि बाप कमाई बहुत ऐश कर लिए, बहुत खर्चे उड़ा लिए, और क्योंकि बाप कमाई पे रोटी खाओ, बाप कमाई पे रहने की इच्छा चलो, और बाप कमाई पढ़ाई करो, और अगर उसको आना है तो आप कमाई भरोसा करना शुरू करो। चैलेंज करो अपने बच्चों को, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्चे उड़ा लिए, कहना बेटा तू 12वीं पास किया ना, अपने कॉलोनी के रोज 6 लड़कों को रोज पढ़ाना शुरू करो, और 6 लड़कों को पढ़ाएगा, महीने की कमाई और पूरे 5,000 रुपये, तो महीने में होंगे 10,000 रुपये, और एक साल में होंगे 60,000 रुपये, और क्या चल बेटा तुमने कमाई की, उसने नया मोबाइल दिलाया, उसने मेहनत करी है। वो कहेगा पापा जी प्लीज, कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा मोबाइलों पर नहीं उड़ाया जाता है। थैंक यू।